योजना में हिंदुस्तान का कोई भी चोर अपने काले धन को सफेद कर सकता है। कहीं से भी उसने चोरी की हो, कहीं से भी उसने भ्रष्टाचार से पैसा बनाया हो, जितना भी उसका ब्लैक मनी हो, अरुण जेटली ने यहां खुले हाउस में कहा कि भैया मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो। मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है, काले पैसे को आप गोरा कर सकते हो। 2014 में मोदी जी ने भाषण दिया था, मैं काले धन को खत्म कर दूंगा, मैं काले धन की लड़ाई जीतूंगा। जिसने भी काला धन कमाया है उसको मैं जेल के अंदर डालूंगा। फेयर एंड लवली योजना में भैया किसी को जेल नहीं मिलेगी, कोई अरेस्ट नहीं होगा, किसी से पूछा नहीं जाएगा। अरुण जेटली जी के पास जाइए, टैक्स दीजिए और अपने पैसे को सफेद कर दीजिए। क्या वायदा किया नरेंद्र मोदी जी ने? हाँ जानता हूं, जानता हूं। सुनिए भाई, मोदी जी ने वायदा किया था कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही है। इलेक्शन में कहा था दाल 70 रुपए की हो गई है। मैं आऊंगा तो दाम कम होगा। जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनके ऊपर जो कष्ट है वो मैं कम करूंगा। मोदी जी आए, 200 रुपए दाल आज मार्केट में मिलती है। जेल। अच्छा हमारे समय आ गए। नमस्कार। सुन के आए, आपने सुना नहीं। फेयर एंड लवली योजना के बारे में मैंने बोला, पूछ लेना आप इनसे। पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज ₹35 प्रति बैरल है। $35 सॉरी भैया, मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं। मैं आपका नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं। मैं जनता से सुनता हूं, उनकी बात समझने की कोशिश करता हूं, फिर इस हाउस में बोलता हूं। $130 का दाम था, आज $35 हो गया, मगर उस पैसे का एक रुपया जनता को नहीं मिला, महिलाओं को नहीं मिला, बहनों को नहीं मिला, माताओं को मिला, नहीं मिला। बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, मगर उनका जो कष्ट है, उनकी जो मुश्किलें, उनको कम नहीं किया जा रहा। अच्छा प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था रोजगार का, 2 करोड़ जॉब्स मैं हिंदुस्तान के युवाओं को हर साल दूंगा। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर, स्टेज जल जाता है बब्बर शेर। और हम आपसे पूछ रहे हैं, बब्बर शेर दिखा दिया, हमें बताओ कितने रोजगार आपने हिंदुस्तान के युवाओं को दिए? कितने रोजगार दिए? भाषण के लिए मैं आंकड़े ढूंढ रहा था,
सिंधिया जी से मैंने पूछा, कहीं आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितने रोजगार मिले एक साल में? किसी को नहीं मालूम आंकड़ा, किसी को नहीं मालूम। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आज आपका भाषण होगा, हिंदुस्तान को बता देना कि पिछले साल में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। मैं जाता हूं, भाषण करता हूं, पूछता हूं लोगों से, रोजगार मिला? मोदी जी ने रोजगार दिया? सबके सब ऐसे जवाब देते हैं, नहीं, किसी ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नरेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नरेगा, मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना, सावरकर योजना नहीं, महात्मा गांधी योजना। उनकी अब बनाइए आप योजना। अच्छा बोलने दो। मोदी जी खड़े होते हैं, कहते हैं बेकार योजना है, ऐसी योजना मैंने कभी नहीं देखी, हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। मैं इसको इसलिए नहीं हटाऊंगा क्योंकि पूरे देश को मालूम होना चाहिए यूपीए ने क्या गलतियां की। कल मैंने आंख बंद करी, मैं सोच रहा था चिदंबरम जी हैं, मनरेगा भी बात चल रही है, मनरेगा में हम पैसा डालेंगे, मनरेगा को हम ऐसे करेंगे, मनरेगा को हम वैसे करेंगे। अरुण जेटली जी मेरे पास आते हैं, कहते हैं मनरेगा से अच्छा स्कीम नहीं था। मैंने उनसे कहा भैया आप अपने बॉस को क्यों नहीं कहते, हमें क्यों कह रहे हो, बाहर जाके कहो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहते? उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, चुप हो गए ऐसे। खैर खैर, थोड़ा सा डर लगता है, बड़े पावरफुल आदमी है नरेंद्र मोदी जी, बड़े पावरफुल हैं। अच्छी बात बोली, मैं जानता हूं कि आप लोग भी डरते हो, मगर आपको थोड़ा बोलना चाहिए उनके सामने, थोड़ा सा आपको भी बोलना चाहिए। अब क्या हुआ, वायदों का जाल बिछाया मोदी जी ने, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, और फिर सवाल उठने लगे। पहला सवाल रोहित वेम्युला ने पूछा, उठाया, मेरी क्या गलती है? मैं जेल के अंदर, हिंदुस्तान में भविष्य नहीं होना चाहिए? मेरी माताजी चेयरपर्सन सॉरी, मेरी माताजी गरीब है, क्या मेरे लिए चाहिए? और आप लोग क्या करते हो, हिंदुस्तान की सरकार की शक्ति उसके कंधों पे ऐसे दबा देते हो। आपके मंत्री, हाँ नहीं नहीं हमने नहीं दबाया, अभी मैं बोलता हूं आप सुनिए, देखो प्लीज साइलेंस, प्लीज साइलेंस, डोंट डिस्टर्ब। उसको आपने दबाया, लेट द मेंबर कंटिन्यू, और बेचारे ने आत्महत्या कर दी। बात यहां, आपके मंत्री कहते हैं कि भाई वो दलित था, नहीं था, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हिंदुस्तान के एक युवा की जिंदगी को ऐसे खत्म क्यों किया गया, सवाल यही है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने ना उसकी मां को फोन लगाया, ना उसके बारे में बोला, एक शब्द नहीं उठाया उन्होंने। फिर जेएनयू में कन्हैया खड़ा होता है, 20 मिनट का भाषण देता है, मैंने भाषण सुना, 20 मिनट में
उसने हिंदुस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा, उसको आप अरेस्ट करते हो। अगर जेएनयू में किसी ने कुछ गलत कहा, अगर कानून के खिलाफ किसी ने एक शब्द कहा, आप उसको अरेस्ट करो, उस पर कार्रवाई करो। मगर उनको आपने खुला छोड़ रखा है, उनको आप बंद नहीं करते हो और जेएनयू पे सवाल उठाते हो। जेएनयू क्या है? जेएनयू क्या है? 60% स्टूडेंट्स जेएनयू के दलित, ओबीसी, पिछड़ा, माइनॉरिटी वर्ग से आते हैं। 80% वही एक ही बात होती है। देखो भैया, आप आपके बीच में और हमारे बीच में एक बात आप समझ लो, आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते हो। हम लोग गलती करते हैं, हम लोगों की सुनते हैं, हम सब कुछ जानते नहीं है, हम सीखते हैं। ये फर्क है हम में और आप में। एक तरफ गांधी, दूसरे तरफ सावरकर, एक हिंसा का प्रयोग करता है, दूसरे अहिंसा का। बैठो बैठो यार, बैठो बैठो, भाई ही से मिल, भाई ही से मिल, सीटो भाई ही से मिल, बैठो बैठो, रोकेगा प्लीज, मिसिंग हाउ, अरे यू ऑल सिट डाउन यार, आप भी बैठो, बैठो बैठो, देन नोबडी विद, बैठो बैठो। अब आपको लगी, भैया एक बात बताओ, एक बात सुनो सुनो, छोटो नहीं बोलो, मैं एक बात समझ नहीं रहा हूँ। स्पीकर सर, चेयरमैन साहब, प्लीज ऑल, प्लीज ऑल ऑफ मेंबर्स, प्लीज प्लीज टेक योर सीट, मेंबर प्लीज टेक योर सीट, प्लीज चेयरमैन साहब, आई विल गो टू द रिकॉर्ड, आई विल से, आई विल गो टू द रिकॉर्ड, प्लीज प्लीज बी सीटेड, लेट द मेंबर टू स्पीक। Let the member to speak, please. I will go to the record. Yeah. Please. मैं बात समझा नहीं। अच्छा बोलने दो। Please, understand. अरे भाई सुनो तो, अरे भाई। अरे ये उत्तेजित क्या हो रहे हैं? Please. अध्यक्ष महोदय, चावल के रात। Stop the conversation and the nation dies. अच्छी बात बोली आपको, अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए, अच्छी नहीं लगी, अच्छी लगी। स्पीकर मैडम, चेयरमैन, सॉरी 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 सॉरी, चेयरमैन सर, व्हेन आई सल्यूट द फ्लैग आई एम नॉट सल्यूटिंग द क्लॉथ, आई एम सल्यूटिंग द रिलेशनशिप्स दैट द फ्लैग रिप्रेजेंट्स। ए मुस्लिम मैन हु जॉइंस हिज हिंदू ब्रदर्स to play holi, or a Hindu man who embraces his Muslim brothers on Eid, a Christian woman who bows her head when she walks past a Gurdwara, a Jat farmer who embraces a Dalit laborer in Haryana, a Punjabi student who protects his brother hailing from the northeast, the relationship between Rohit and his fellow students, the relationship between all of us on this side of the aisle and those of you friends sitting across it,
when I protect the flag, I protect the conversations on which those relationships are built. I protect every